ओके फ्रेंड्स, तो सैमसंग ने अपने कुछ स्मार्टफोन के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो कौन कौन से स्मार्टफोन के लिए न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज़ किया गया, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ अपडेट हमें मिल जाती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के लिए रिलीज़ किया गया, जिसमें हमें 1E 6.1 जो है वो इंक्लूड मिल जाती है। बाकी इस अपडेट के अंदर May 2024 का सिक्योरिटी पैच जो है वो इंक्लूड किया गया है। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट जो है वो अभी करेंटली साउथ कोरिया में रिलीज किया गया, बट इंडिया के अंदर किसी भी दिन किसी भी वक्त ये अपडेट जो है वो मिलने वाली है। बाकी 1E 6.1 की काफ़ी सारी फीचर्स जो है वो इंक्लूड की गई है, स्पेशली लॉक स्क्रीन में जो काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन की गई है, वो फीचर्स आपको जो है वो ऑब्वियसली इस अपडेट में जो है वो मिलने वाली है। अगला अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A52 4G स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया गया, जिसका अपडेट फाइल 2117.67 MB की दी गई है। वहीं पे 1 अप्रैल 2024 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड किया गया। बाकी फ्रेंड्स, ये अपडेट इंडिया में ऑफिशियली रिलीज किया गया और इस अपडेट के इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करें तो 1E 6.1 जो है वो हमें इंक्लूड मिल जाती है, यानी कि 1E 6.1 की काफ़ी सारी फीचर्स हमारे को जो है वो इस अपडेट में मिलती है। लॉक स्क्रीन में काफी अच्छी कस्टमाइजेशन की गई है और ये अपडेट इंडिया में रिलीज की गई है। तो आप लोग अपने फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट ऐप में चेकआउट करके अपडेट जरूर कर लीजिएगा। जिन भी यूजर्स को अपडेट नहीं मिली है, उन्हें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तक अपडेट जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A33 5G स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया गया, जिसका अपडेट फाइल 2011.16 MB की दी गई है। वहीं पर 1 अप्रैल 2024 का सिक्योरिटी पैच इंक्लूड मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स, इस अपडेट के अंदर हमें 1E 6.1 जो है वो इंक्लूड मिलती है और ये अपडेट इंडिया में रिलीज की गई है। देखिए यहाँ पे 1E 6.1 की काफ़ी सारी फीचर्स जो है वो हमें इंक्लूड मिल जाती है। तो अगर आपके पास A33 5G का स्मार्टफोन है तो आप लोग अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट ऐप में चेकआउट कीजिए, अपडेट आ चुकी होगी। काफ़ी अच्छी अपडेट है, अपडेट ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। स्पेशली लॉक स्क्रीन में काफ़ी अच्छी कस्टमाइजेशन जो है वो की गई है। तो आज के इस नई वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।